हेलो एवरीवन, ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के इस लास्ट वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वे सारे इवेंट्स शामिल हैं जो जायगोट बनने के बाद देखा जाता है। दे इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जायगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करना है। पहले जायगोट के बारे में डिस्कस करेंगे। जायगोट एक डिप्लोइड सेल है जो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और उसी सेल को बोलते हैं जायगोट। इट इज फॉर्म्ड इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ स्टार्ट्स एज ए सिंगल सेल और इसी सिंगल सेल को कहते हैं जायगोट। एल्गी और फंजाई अनफेवरेबल कंडीशंस के समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एल्गी और फंजाई अनफेवरेबल कंडीशंस के समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं तो अब इसे समझना है। एल्गी एंड फंजाई अनफेवरेबल कंडीशंस के समय गैमिट्स के फ्यूजन से जायगोट बनाएगा। तो यह एक सेल है जायगोट जो एक डिप्लोइड सेल होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस के समय ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जायगोट अपने चारों ओर एक थिक रेसिस्टेंट वॉल डेवलप कर लेता है, बना लेता है। यह थिक रेसिस्टेंट वॉल अंदर के सेल जायगोट को डेसिकेशन और डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और यह स्ट्रक्चर पूरे अनफेवरेबल कंडीशंस के समय सर्वाइव करेगा। मतलब यह जायगोट बनने के बाद इस स्ट्रक्चर में डेवलप कर जाएगा, चेंज कर जाएगा और यह स्ट्रक्चर पूरे अनफेवरेबल कंडीशंस के समय सर्वाइव करेगा। और इस तरह से इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जायगोस्पोर। जो भी एक डिप्लोइड सेल होगा इसे पेरिनेटिंग स्पोर भी कह सकते हैं। मतलब जायगोट बनने के बाद रेस्ट करेगा, डोरमेंट हो जाएगा इस स्ट्रक्चर के रूप में, जायगोस्पोर के रूप में। और जैसे ही फिर से फेवरेबल कंडीशन से रिटर्न हो जाएगा, वापस लौट आएगा, कि जायगोस्पोर का मियोसिस के द्वारा डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप है जिसमें एक सेल के डिवीजन से फोर सेल्स बनते हैं। डिप्लोइड सेल के डिवीजन से फोर हैप्लोइड सेल्स बनेगा और जो हैप्लोइड सेल्स बनेगा इस हैप्लोइड सेल्स को बोलेंगे स्पोर्स। यहां पर इच स्पोर एक हैप्लोइड सेल होगा। तो मियोसिस के द्वारा कब डिवाइड करता है जाएगा स्पोर? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। और अब क्या होगा,
एक स्पोर एक न्यू एल्गा या एक न्यू फंगस में जर्मिनेट कर जाएगा, मीन्स एक स्पोर एक न्यू एल्गा या एक न्यू फंगस में डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर न्यू एल्गी और फंजाई बन जाएंगे स्पोर्स से। लेकिन ये कब बनेगा? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। और यह स्पोर से न्यू एल्गी या फंगस जो बनता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे जर्मिनेशन। सीड से भी जब एक न्यू प्लांट बनता है तो वहां पर भी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। यहां पर भी जर्मिनेशन बोला जाएगा। अब हमें समझना है एम्ब्रियो जेनेसिस के बारे में। एम्ब्रियो जेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जायगोट से एक एम्ब्रियो बनता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। जायगोट एक डिप्लोइड सेल है, एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर, और इसके इच सेल भी डिप्लोइड होते हैं। मतलब यह कि जायगोट का सेल डिवीजन होगा और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ग्रुप में एम्ब्रियो बनेगा। तो जायगोट का डिवीजन किसके द्वारा होगा? माइटोसिस के द्वारा होगा। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखना हो, इक्वल रखना हो, तो माइटोसिस के द्वारा डिवीजन करना होता है। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर क्या होगा? एम्ब्रियो में जो सेल्स होंगे उस सेल्स में सेल डिफरेंशिएशन होगा। मतलब यह कि एम्ब्रियो में जो बहुत सारे सेल्स हैं, तो उस सेल्स में क्या होगा? कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे एम्ब्रियो में, और उस ग्रुप ऑफ सेल्स में सर्टेन मॉडिफिकेशंस होगा जिससे वह ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज या ऑर्गन्स में डेवलप कर जाएगा, और इस तरह से पूरा एक एम्ब्रियो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। तो सेल्स में मॉडिफिकेशन होता है और नए टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। इसमें लिखा जा सकता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो जेनेसिस जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। जहां एक और सेल डिवीजन से सेल्स का नंबर बढ़ेगा, सेल्स का संख्या बढ़ेगा, उसी तरह से सेल डिफरेंशिएशन से न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनेंगे। सेल डिवीजन इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल्स व्हाइल सेल डिफरेंशिएशन helps group of cells to undergo certain modifications to form new tissues and organs, और इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सेल डिफरेंशिएशन होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब मैं ऐसे इरेज कर रहा हूं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो रहा है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा है?
अगर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा है तो क्या मदर के द्वारा इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसके आधार पर एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो फर्स्ट होगा वह होगा ओविपेरस। ओविपेरस को ही कहते हैं एग लेइंग। लेइंग मीन्स देने वाला, एग्स देने वाला। ये ऐसे एनिमल्स होंगे जो अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग्स को इन्वायरमेंट के किसी सेफ प्लेस पर ले कर देंगे, एग्स वहाँ पर रख देंगे और इस तरह से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर एग के अंदर होगा। इसलिए इम्ब्रियो हार्ड कैल्केरियस सेल से कवर्ड होते हैं। इनक्यूबेशन के बाद, डेवलपमेंट के बाद जब इम्ब्रियो यंग में डेवलप कर जाएगा एग के अंदर, तब यंग्स एग से हैच आउट हो जाएंगे, मींस यंग्स एग से बाहर निकल आएंगे और ऐसे एनिमल्स को ही कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। दे ले अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग्स इन सेफ प्लेस इन एनवायरनमेंट। इसमें क्या होगा, ये एग है, इसमें जब इनक्यूबेशन हो जाएगा, आफ्टर इनक्यूबेशन, तो एग से क्या निकल आएगा, हैच आउट करके यंग बाहर निकल आएंगे। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, कुछ मैमल्स भी होते हैं। सेकंड में है विविपेरस एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जिसमें इम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के अंदर होता है और इस तरह से फीमेल यंग्स को गिव राइज करते हैं, है ना, गिव बर्थ करते हैं, मतलब ये यंग्स को जन्म देते हैं और इसमें मदर के द्वारा इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दिया जाता है, यंग्स को न्यूट्रिशन दिया जाता है, ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं विविपेरस एनिमल्स। दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड मदर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू यंग्स मदर किसके द्वारा न्यूट्रिशन देते हैं? मदर के बॉडी में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बनने के कारण मदर इम्ब्रियो या यंग्स को न्यूट्रिशन देते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा मोस्ट मैमल्स। अधिकांश मैमल्स विविपेरस होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी विविपेरस एनिमल्स के कैटेगरी में ही आएंगे। जो थर्ड है वह है ओवोविविपेरस एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यंग्स को ही गिव बर्थ करते हैं, यंग्स को ही जन्म देते हैं, लेकिन मदर के द्वारा इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है। दे ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस बट मदर does not provide nutrition
टू यंग्स। यंग्स को न्यूट्रिशन मदर के द्वारा नहीं दिया जाता है। इसके बहुत कम ही एग्जांपल्स देखे जाते हैं, जैसे एक है सार्क, एक है रेटल स्नेक। अब हमें देखना है कि फ्लावर्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या सब होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन ए फ्लावर, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या सब परिवर्तन देखे जाते हैं इसके बारे में समझना है। उससे पहले एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना लेना होगा। यह फ्लावर का स्टॉक पेडिसिल, यह थैलेमस, ये सेपल लगा हुआ है, ये पेटल, ये स्टामेन और अंदर की तरफ पिस्टिल लगे होते हैं। पिस्टिल का यह ओवरी, यह स्टाइल और यह स्टिग्मा। तो यह स्टिग्मा, यह स्टाइल और यह ओवरी। ओवरी में क्या होगा? ओवरी में यह वाल, इसे ओवरी वाल कहेंगे। और अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर लगा होगा ये वाला, ये जिसे ओव्यूल कहेंगे। ये ओव्यूल है। ओवरी में तीन ओव्यूल को बनाया गया है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया और ये स्टामेन हो गया। ये फ्लावर का स्टॉक है पेडिसिल और यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फर्टिलाइजेशन के बाद सारे सेपल्स, पेटल्स, स्टामेंस विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और फ्लावर से नीचे गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। इसमें लिखा जाता है फर्स्ट पॉइंट, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेंस विदर एंड फॉल ऑफ। लेकिन पिस्टिल अभी भी फ्लावर से लगा हुआ होगा। एक ओव्यूल में एक ओवम होता है, एक ओव्यूल में एक हैप्लोइड सेल ओवम होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम किस में बदल जाएगा? जायगोट में। मतलब एक ओव्यूल में एक जायगोट बनेगा, ए जायगोट इज फॉर्म्ड विद इन ईच ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ही जायगोट किस में डेवलप कर जाएगा? इम्ब्रियो में। मतलब एक ओव्यूल में एक इम्ब्रियो बनेगा, एन इम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम जायगोट इन ईच ओव्यूल। जैसे ही ओव्यूल में इम्ब्रियो बन जाएगा कि ओव्यूल सीड में डेवलप कर जाएगा। An ovule develops into a seed. जैसे ही सीड बन जाएगा, इसी के साथ साथ क्या होगा? पूरा ओवरी स्टाइलिस्टिक मैंने पिस्टिल का ये वाला जो पार्ट है, इसे पिस्टिल कहते हैं। पूरे पार्ट को पिस्टिल को ही कार्पेल कहा जाता है। तो जैसे ही ओव्यूल सीड्स में डेवलप कर जाएंगे कि पिस्टिल का ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाएगा, ओवरी का ओवरी वाल फ्रूट वाल में डेवलप कर जाएगा। फ्रूट वाल को पेरिकार्प कहते हैं और ओव्यूल्स तो सीड्स में डेवलप कर ही जाएगा। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। इसमें क्या होगा? ओवरी वाल डेवलप्स किस में कर जाएगा? फ्रूट वाल में। फ्रूट वाल को ही क्या कहते हैं? पेरिकार्प। और ओव्यूल्स किस में डेवलप हो जाएगा? सीड्स में।
जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक फ्रूट है, तो फ्रूट का ये क्या हो गया, कवर हो गया, जिसे क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, पेरिकार्प को ही बोलते हैं फ्रूट वाल्व। और अंदर में क्या लगे होंगे, सीड्स, तो यह हो गया सीड्स हो गया, और इस तरह से यह एक फ्रूट है। अब क्या होगा, सीड्स का डिस्पर्सल होगा, मीन्स सीड्स एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, और तब सीड्स फेवरेबल कंडीशंस के समय जर्मिनेट कर न्यू प्लांट्स बना लेंगे। तो ये आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, लेकिन कब, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। इस तरह से हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन को समाप्त कर लिया, और इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट भी समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।